नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको 2025 में आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सामाजिक विज्ञान के उसको बताऊंगा। तो इसमें जो मुख्य एक भाग है, एक हिस्सा है, वो है बिस्मार्क का। बिस्मार्क का नाम आपने सुना होगा, ऑटो वान बिस्मार्क जिसे प्रिंस ऑटोमान बिस्मार्क भी कहा जाता है। बिस्मार्क का पूरा नाम ऑटो एडवर्ड लियोपोल्ड वान बिस्मार्क था। ऑटो एडवर्ड लियोपोल्ड वान बिस्मार्क, तो बिस्मार्क की जो उपाधि थी वो लौह चांसलर की थी। लौह चांसलर, चांसलर अर्थात प्रधानमंत्री, आयरन चांसलर के नाम से जाना जाता था। आयरन चांसलर अर्थात आयरन प्रधानमंत्री या लौह प्रधानमंत्री के नाम से बिस्मार्क को जाना जाता था। एक नीति इसने चलाई, लौह यौम रक्त की नीति। लौह यौम रक्त की नीति इसने चलाई और मुख्य भूमिका जर्मन का एकीकरण था इसका। जर्मन का एकीकरण, एक कर देना, जर्मनी को एक कर देना, अर्थात कई भाषाएं बोली जाती थी, एक भाषा का प्रयोग, और जो विखंडित था उसको एक कर दिया इसने। तो जर्मनी का एकीकरण उसने 1871 में किया। एक अच्छा रणनीतिकार था वो बिस्मार्क, इसीलिए उसको आधुनिक जर्मनी का संस्थापक कहा जाता है। आधुनिक जर्मनी का संस्थापक ऑटोमान बिस्मार्क को कहा जाता है। और पूरी दुनिया में पहली बार स्वास्थ्य बीमा का कानून लाया, संसार में, विश्व में पहली बार स्वास्थ्य बीमा का कानून जो दिया था वो ऑटोमान बिस्मार्क ने ही दिया था। उसी की देन है, उसी की नकल है वो स्वास्थ्य बीमा, इसीलिए उसको दुनिया का अद्भुत राजनेता कहा जाता है। दुनिया का अद्भुत राजनेता उसको कहा जाता है, बिस्मार्क को कहा जाता है। एक कट्टर रूढ़वादी राजनेता था वो। तो बिस्मार्क लौह यौम रक्त की नीति चलाने वाला, जर्मनी का एकीकरण करने वाला, आधुनिक जर्मनी का संस्थापक उसे कहा जाता है, और पूरी दुनिया में पहली बार स्वास्थ्य बीमा का कानून लाने वाला बिस्मार्क ही था, जिसका पूरा नाम ऑटो एडवर्ड लियोपोल्ड वान बिस्मार्क था। तो लौह चांसलर वो बना, प्रधानमंत्री बना, आयरन चांसलर बना। तो बिस्मार्क पूछा जाता है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया या किसकी मुख्य भूमिका थी, तो उत्तर आपको मिलता है कि ऑटोमान बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया। आधुनिक जर्मनी का वो संस्थापक था, एक अच्छा रणनीतिकार था और एक कट्टर रूढ़वादी राजनेता था। तो बिस्मार्क बहुत ही महत्वपूर्ण है 2025 के लिए, बोर्ड की परीक्षा के लिए। आप एक एक बिंदु पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।